टीएमसी की धाकड़ सांसद और पश्चिम बंगाल की मशहूर एक्ट्रेस नुसरत जहां, जो तृणमूल कांग्रेस अध्यक्षा और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की करीबी मानी जाती हैं, उन पर प्रवर्तन निदेशालय या ईडी का शिकंजा कसता ही जा रहा है। कुछ समय पहले ईडी ने इन्हें समन जारी किया था, जिस पर ये कोलकाता स्थित ईडी के कार्यालय में पूछताछ के लिए पहुंची। इन पर वरिष्ठ नागरिकों के एक ग्रुप ने शिकायत दर्ज कराते हुए आरोप लगाया था कि एक रियल एस्टेट कंपनी जिसका नाम सेवन सेंस इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड है, उसने कोलकाता के न्यू टाउन में उन्हें फ्लैट देने का वादा कर उनके साथ धोखाधड़ी की। शिकायत में कहा गया कि कंपनी ने उन्हें सस्ते दाम पर फ्लैट देने का वादा किया था और इसके बाद उनसे करोड़ों रुपए हड़प लिए। आरोप है कि जिस कंपनी के खिलाफ शिकायत दर्ज हुई, नुसरत जहां उस कंपनी की पूर्व डायरेक्टर हैं। इस तरह के गंभीर आरोपों से घिरी नुसरत जहां को लेकर चर्चा है कि उनके पास बहुत दौलत और बहुत प्रॉपर्टीज हैं। अपने रिच लाइफस्टाइल को लेकर अक्सर चर्चाओं में रहने वाली नुसरत जहां ने 2019 के आम चुनाव में पश्चिम बंगाल की बशीरहाट सीट से अपना नामांकन दाखिल करते समय अपनी संपत्तियों से संबंधित जो हलफनामा दाखिल किया था, उसके मुताबिक नुसरत जहां के पास कुल 2,90,88,391 रुपए की चल अचल संपत्ति है, जिसमें से इनके पास 90,88,391 रुपए की चल संपत्ति है, जबकि इनके पास 2 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति है। नुसरत जहां के कैश और बैंक बैलेंस की बात करें तो 2019 में चुनावी नामांकन दाखिल करने तक इनके पास कुल 5 लाख रुपए कैश था, जबकि इनके अलग अलग बैंक अकाउंट्स में कुल 29,88,391 रुपए मौजूद थे। इस रकम में अब घटत या बढ़त भी संभव है। नुसरत जहां की सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स की बात करें तो इन्होंने बॉन्ड्स में 1 लाख रुपए का निवेश किया हुआ है। इनके पास हालांकि कोई NSS पोस्टल सेविंग सर्टिफिकेट नहीं है, लेकिन इनके नाम से 2.5 लाख रुपए की बीमा पॉलिसी है। 2019 के हलफनामे के मुताबिक नुसरत जहां की ओर से अग्रिम राशि या व्यक्तिगत लोन के तौर पर 5 लाख रुपए दिए गए थे। वहीं अगर नुसरत जहां की ज्वेलरीज की बात करें तो इनके पास कुल 450 ग्राम वजन के सोने और हीरों के गहने हैं, जिनकी कुल कीमत इनके हलफनामे में 12 लाख रुपए बताई गई थी। वर्तमान में इसके मार्केट वैल्यू में बढ़त या घटत भी संभव है। वहीं अगर इनके वाहनों की बात करें तो 2019 के हलफनामे के मुताबिक नुसरत जहां के नाम से BMW और फोर्ड एंडेवर ब्रांड की 2 पोर्श गाड़ियां हैं। इनकी गाड़ियों की टोटल वैल्यू 35,50,000 रुपए है। नुसरत जहां की अचल संपत्तियों की बात करें तो इनके पास कोई खेतीहर भूमि नहीं है, इनके पास कोई गैर खेतीहर भूमि भी नहीं है। हालांकि नुसरत जहां के नाम से कई आवासीय इमारतें हैं, जिनकी कुल कीमत 2 करोड़ रुपए बताई जाती है। इनके लोन या देनदारियों की बात करें तो 2019 में नामांकन दाखिल करने तक इन पर कुल 1,68,81,608 रुपए की देनदारी थी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।